Welcome, my dear studious and intelligent champs. Hey, what's up? क्या कर रहे हैं आप? I hope कि आप अपने studies पे पूरा focus करके ध्यान से पढ़ रहे होंगे. Okay, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे chapter number 4 से 4.3 और किसके साथ करेंगे? अपने online teacher सारिका के साथ. तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट ए. पार्ट ए क्या कह रहा है? कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2. ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया है. जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था तो वहां लास्ट में जो ये स्टेप था ये मैंने जरूर आपको बताया है. तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखकर और ये सॉल्व करेंगे और साइड बाय साइड में स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हुई चलूंगी कि कैसे इसे सॉल्व करना है. अब हमारे पास एक चीज गिवन है x इक्वल्स टू 2. वो कह रहा है ऐसी 3 इक्वेशंस और बनाइए जो x से स्टार्ट होती हो. तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? अगर हमें इसे और बढ़ाना है, एलोंगेट करना है, तो हम उसमें क्या करें? हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ डिवाइड कर सकते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लाई. आप ये सिंगल टर्म में भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप एक सिंगल ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं और आप कॉम्बिनेशन में लेके भी कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इजी टू डिफिकल्ट चलते हैं. तो यहां मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ एडिंग. एडिंग जब हम कर रहे हैं, अगर हम कोई भी ऑपरेशन अपना यूज कर रहे हैं तो हम वो दोनों बोथ साइड यूज करेंगे. सपोज हम अपनी एडिंग करें, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर, या फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं. तो कुछ भी अगर आप ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यू कैन डिवाइड और ऐड बोथ साइड. जैसे मैंने यहां लिया टेक 7 और 7 मैं कर रही हूँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है. तो मैं क्या लूंगी, ऐड 7 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ मुझे 7 को ऐड करना पड़ेगा. क्यों? अगर LHS कर दूं या RHS में ऐड कर दूं तो मेरी जो इक्वेशन है, जो मेरे गिवन जो मुझे दिया है x इक्वल टू 2, तो वो बैलेंस नहीं रहेगी. मींस हमें क्या करना है, हमें जो भी ऑपरेटर यूज करना है वो तो हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, साइड बाय साइड उसकी ओरिजिनलिटी उतनी रहनी चाहिए. मतलब अगर हम अपनी एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर x इक्वल टू 2 ही आना चाहिए, ठीक है. तो यहां मैं पहले सबसे पहले ऐड कर रही हूं. तो ऐड करने के लिए मैं लिख रही हूं एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है. तो आप लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड, मैंने लिख दिया बोथ साइड. अब मैं 7 को ऐड करूंगी तो मैं यहां लिखूंगी x प्लस 7, ये मैंने LHS पे कर दिया, इक्वल टू 2, ये मेरे RHS में है तो इसमें भी मैं 7 ऐड कर रही हूं, ठीक. अब मेरे पास क्या बनेगा, अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, x प्लस 7 इक्वल टू 2 प्लस 7 दैट इज 9. तो ये मेरी इक्वेशन बन गई एक इक्वेशन, ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने ऐड से करी है. अच्छा, आप अगर इसको सॉल्व करके देखो तो x प्लस 7 इक्वल टू 9 है और मैं अगर 7 को ट्रांसपोज करके 9 के पास लेके जाऊं तो दैट इज माइनस का 7, तो ये मेरे पास बन जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 7 दैट इज 2, ठीक है. तो ओरिजिनलिटी खत्म नहीं हुई है. अब की बार अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो मैं लिख रही हूं सब्ट्रैक्ट, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट सपोज 3 करते, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है. अब यहां मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो हमें लेना यही है हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, दिस इज x माइनस 3 LHS में ले लिया इक्वल टू 2 माइनस 3, ठीक है. अब ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 1, तो ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. अब आप इसको, आप चाहे तो मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, चाहे डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं. तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई लेके दिखा रही हूँ आपको. तो ये मेरी थर्ड जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5 ऑन बोथ साइड. मैंने फ्रैक्शन में ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है. यहां मैंने ले लिया फ्रैक्शन में, तो मैं ओरिजिनल जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करूंगी, x मल्टीप्लाई 4 बाय 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 बाई 5. तो मेरे पास क्या सॉल्व करके आएगा, x 4x, यहां मेरे पास आ जाएगा 4 अपॉन 5 x इक्वल टू 4 टू 8 अपॉन 5. तो ये मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई है
जो स्टार्ट किससे हो रही है, एक्स से ही स्टार्ट हो रही है। अब हम चलते हैं बी पार्ट पर, एंड बी पार्ट इज कंस्ट्रक्ट थ्री क्वेश्चन स्टार्टिंग विद एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अच्छा, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमारे पास आर एच एस है वो हमारे पास माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, करना वही चीज है। आप कोई भी ऑपरेटर ले, लेकिन करेंगे उसको यूज करेंगे बोथ साइड। तो मैंने फर्स्ट ए पार्ट में एडिंग सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करा था, मैं इस पार्ट में आपको डिवाइड के साथ इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास जो ओरिजिनल है वो दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस टू है, ठीक है। अब मैं इसमें डिवाइड करूंगी, वो आपको बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो यहां मैं डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड बाय फाइव ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड ये मैंने डिवाइड करा है। तो मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास x बाय 5, डिवाइड हो गया 5 इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, और ये मेरी एक इक्वेशन बन चुकी है जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग इससे है x से है, ठीक है। अभी हम सेकंड करते हैं और डबल लेके चलते हैं। आपको अगर इसी को इक्वेशन को आगे और फर्दर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन में क्या ले रहे हैं, आपने डिवाइड कर लिया, अब मैंने लिया यहाँ पे, सपोज मैं एड और करना चाहती हूँ या मल्टीप्लाई, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं ऐड कर रही हूँ, एडिंग सिक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां मैं पहले ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस सिक्स, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस सिक्स और माइनस टू प्लस सिक्स दैट इज माइनस, ये आ जाएगा आपके पास फोर। ये आ गई आपके, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं या आप दूसरा ऑपरेटर भी इसमें लगा सकते हैं। सपोज जैसे मैंने ऑपरेटर लगाया है, आप इसमें माइनस कर सकते हैं, तो माइनस में लगा रही हूं यहाँ पे। अब अगेन मैं ये ले रही हूं सब्ट्रैक्ट टू ले लेते हैं सपोज, तो सब्ट्रैक्ट टू ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड मैंने टू ले लिया, तो यहां मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स माइनस टू, ठीक है, और इक्वल टू फोर माइनस टू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और सिक्स माइनस टू दैट इज फोर, और फोर माइनस टू दैट इज टू। तो ये एक इक्वेशन मेरी आ गई जिसमें मैंने डबल ऑपरेटर लगाया है, यहां मैंने पहले ऐड करा है फिर सब्ट्रैक्ट करा है, या आप इसको यहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू फोर। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई लेके करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय सेवन अपॉन टेन ऑन बोथ साइड, ठीक है, आपकी बार सेवन बाय टेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो मेरे पास है x इक्वल टू माइनस का टू है, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का टू, और हमें किससे करना है, सेवन बाय टेन से, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेवन बाय टेन x इक्वल टू माइनस का टू, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेवन बाय टेन के साथ, तो टू से फाइव टेन कट जाएगा फाइव टाइम्स, तो मेरे पास आ जाएगा सेवन बाय टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेवन बाय फाइव, और यही मुझे क्या है, ये मेरा आंसर बन गया जो मेरा x से स्टार्ट हो रही इक्वेशंस। तो ऐसे आप बहुत सारी क्वेश्चंस बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, आप वो ऑपरेटर यूज कीजिए, और थ्री क्या आप इसे 30, 300, 3000 और कितनी भी क्वेश्चंस बना सकते हैं।